सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बैकग्राउंड को ड्रॉ करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह हम ब्लरी बैकग्राउंड को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड ड्रॉ कर लिया है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह बैकग्राउंड को ड्रॉ करना है। वीडियो शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर मैं बैकग्राउंड को ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पाउडर को। चारकोल पाउडर के अलावा यहाँ पर मैंने यूज़ किया है नीडेड इरेजर का। उसके बाद ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने कॉटन का यूज़ किया था। ब्लेंडिंग के अलावा मैंने चारकोल अप्लाई करने के लिए भी कॉटन का ही यूज़ किया था। यहाँ पर मैंने कोई ब्रश का यूज़ नहीं किया है। हाँ, मैंने बैकग्राउंड को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हम लाइटली एक बैकग्राउंड को लेयरिंग करेंगे। यहाँ पर मैं कॉटन को यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पाउडर के साथ। चारकोल पाउडर को हमें बहुत ही लाइटली यहाँ पर अप्लाई करना है। कॉटन से हमें फर्स्ट लेयर देने के बाद मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर को यूज़ कर रहा हूँ थोड़े बहुत स्मज करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी बहुत नाइसली ब्लेंडिंग टिश्यू पेपर से हो जाती है। यहाँ पर आपको टिश्यू पेपर यूज़ करना है तो करो, नहीं छोड़ भी सकते हो, सेकेंड लेयर दे सकते हो। इसके बाद मेन प्रोसेस आता है कि बैकग्राउंड ड्रॉ करने की। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फिर से कॉटन की। कॉटन को हम फिर से चारकोल में डिप करके मैं यहाँ पर राउंड राउंड सर्कल बनाऊँगा। थोड़े बहुत वो भी लाइटली ही बना दूँगा। वीडियो पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह हमें सर्कल बनाने हैं। इसके बाद आती है मेन प्रोसेस। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फिर से चारकोल पाउडर को। मैं थोड़ा यहाँ पर डार्क चारकोल पाउडर को यूज़ करूँगा और सर्कल थोड़े डार्क करने की कोशिश करूँगा। इस तरह हम बहुत ही सिंपली बैकग्राउंड को ड्रॉ कर सकते हैं और इस बैकग्राउंड को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 10-15 मिनट में इस बैकग्राउंड को हम ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इस कमीशन वर्क आर्टवर्क के रेफरेंस में बैकग्राउंड इस तरह नहीं था, वो थोड़ा बहुत मेसी सा बैकग्राउंड था, इसीलिए इस कमीशन आर्टवर्क में इस बैकग्राउंड को मैंने ड्रॉ किया है। इसी तरह बहुत सारे पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते वक्त हमें बैकग्राउंड सही नहीं लग रहा होगा तो हम इस बैकग्राउंड को ऐड करके ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह के बैकग्राउंड को ड्रॉ करने से हमारी आर्टवर्क हमें थोड़ी यूनिक लगेगी। पर एक लास्ट स्टेप आता है कि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा नीडेड इरेजर को। नीडेड इरेजर को मैंने किस तरह यूज़ किया है आप वीडियो में देख सकते हो। उसी तरह हम बैकग्राउंड में टैप टैप करके यानी जस्ट प्रेस करके नीडेड इरेजर को यूज़ करेंगे। नीडेड इरेजर ग्राफाइट को ऑप्ट कर लेता है और वहाँ पर एक वाइट सर्कल छूट जाता है। सो इसी तरह हम बैकग्राउंड को बनाएंगे, यही होगा हमारा लास्ट प्रोसेस। इसी तरह हम नीडेड इरेजर से बड़े सर्कल और छोटे छोटे सर्कल्स भी बनाएंगे। कुछ इस तरह मेथड से हम बैकग्राउंड यानी ब्लर बैकग्राउंड को ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और आप हमारे चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।